डूब गई तो चलाएं। कुछ दिनों पहले मैं बहुत बोर हो रहा था, टाइम पास के लिए मैंने यूट्यूब खोला। यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो पे नज़र पड़ी जिसके अंदर सीमेंट की बोट बना रखी है, मतलब एक सीमेंट का शिप बना रखा है, पूरा बड़ा शिप बना रखा है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही सवाल आया कि ये कंक्रीट का शिप पानी पे तैर सकता है क्या। फिर थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि हाँ तैर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री के अंदर कंक्रीट की बोट बनती भी थी, तो मुझे ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बोट बना के देखता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी बोट तो बना नहीं सकता क्योंकि मटेरियल खूब ज़्यादा लगेगा और चलाने के लिए जगह है नहीं यहाँ पर। इसलिए मैंने एक RC बोट बनाई और जो कि कंक्रीट की बनाई है, और चलो देखते हैं फिर किस तरह मैंने बनाई। तो यहाँ पर मेरा आइडिया यह है कि मुझे एक हल बनाना पड़ेगा। हल मतलब कि ये होता है, ये हिंदी वाला हल नहीं है, शिप के बॉटम पार्ट को हल बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं कार्डबोर्ड का बनाऊं या फिर मैं एक वुड का बनाऊं। वुड का बहुत मेहनत होती है, उसके अंदर काटा पेटी बहुत महंगा पड़ जाता है, तो मैंने कार्डबोर्ड यूज़ में लिया। कार्डबोर्ड मेरे पास पड़े थे खूब सारे, तो कार्डबोर्ड का मैंने छोटी मोटी शेप काट के एक फ्रेम बना के इसको उल्टा करके रख दिया। तो यहाँ पर मैं इस फ्रेम के ऊपर कॉन्क्रीट की लेयर चढ़ाऊँगा, तो लेयर बाय लेयर चढ़ चढ़ के एक मतलब एक सॉलिड कॉन्क्रीट का हल बन जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक सीमेंट को पानी में मिलाया पेस्ट बना के, जो स्लरी होती है, इस स्लरी को मैंने कपड़े लिए, कपड़े के टुकड़े को उस स्लरी में भिगोया। भिगोने के बाद में उस कपड़े को जो कार्डबोर्ड का जो शेप का हल है इसके ऊपर मैंने लगा दिया। 24 घंटे के लिए इसको ड्राई करा, उसके बाद मैंने दोबारा इसको इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई, फिर मैंने ड्राई करा, फिर मैंने लेयर चढ़ाई, फिर मैंने ड्राई करा, फिर मैंने लेयर चढ़ाई, ऐसे कर करके कम से कम 4-5 लेयर चढ़ाई। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. और यहाँ पर मुझे पता लगा कि ये मैंने लेयर तो चढ़ा दी है लेकिन मैंने बैलेंसिंग नहीं देखी इधर, क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका नीचे की तरफ रहेगा लेकिन जो साइड वॉल थी इसकी हल्की वो थोड़ी अनबैलेंस थी, तो एक तरफ झुक रहा था। इसको बैलेंस करने के लिए हर जगह इक्वली सीमेंट और लगा दी ताकि थोड़ा मजबूत भी हो जाए और इसको बैलेंस भी हो जाए। इस टाइम तक इस कॉन्क्रीट हल का वज़न आराम से 1.5-2 किलो तक हो चुका है और अब ये कंप्लीट हो चुका है लगभग लगभग। अब मुझे इसको तैरा के देखना है कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। मैंने इतना बड़ा इसको बना तो दिया लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई जगह नहीं जिसके अंदर मैं इसको तैरा के देख सकूँ। अभी तो ये छत वाली जो पानी की टंकी होती है उसमें तैरा के देख रहा हूँ इसको मैं। वैसे एक तरफ ये झुक रखी है लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएंगे जैसे कि मोटर बैटरी वैटरी तब इसको बैलेंस कर देंगे, तब तक ये चलो सही हो जाएगी उसके अंदर। वैसे तो सही तैर रही है, कोई पानी वानी लीक भी नहीं हो रहा है। तो अभी तक तो इसका बेस तो कंप्लीट हो चुका है, ये अभी राफ्ट कहलाने के लायक है क्योंकि इसमें पावर नहीं है अभी तक और दूसरी इसमें रेडियो कंट्रोल नहीं है। तो पावर के लिए दो रास्ते हैं यहाँ पर, एक जो पुराना जो तरीका होता है जैसे सबमर्ज प्रोपेलर टाइप होता है जिसके अंदर प्रोपेलर पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है इसके अंदर, एक वो तरीका है, और एक है अपना एयरबोट वाला जैसे कि ऊपर की तरफ पंखा लगा दिया जैसे कि इस फोटो में दिखा रहा है। सबमर्ज प्रोपेलर वाला है, उसके अंदर ये दिक्कत है कि उस प्रोपेलर को पानी के अंदर डालना पड़ेगा और उसको वाटरप्रूफ सील लगा के मोटर को जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर इसके हल के अंदर मैंने प्रॉपर डालने के लिए छेद करा और हल टूट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पूरा टूट जाएगी पूरी है क्योंकि कंक्रीट की बनी हुई है। यहाँ पर मुझे पता लगा कि मोटर और फ्रेम को मैं जोड़ूंगा कैसे, क्योंकि माउंटिंग पॉइंट तो छोड़े ही नहीं मैंने, इसलिए लकड़ी का फ्रेम के साथ कुछ बना के जोड़ने की कोशिश करी।
काम कर रहा है। यहाँ तक पूरी बोट लगभग लगभग तैयार हो चुकी है और इसे टेस्ट करने के लिए मुझे थोड़ी बड़ी जगह चाहिए जहाँ पर पानी हो। तो ऐसी एक जगह मैं जानता हूँ, उस जगह का नाम है एमरल्ड पूल विला। ये जयपुर में एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, और फैमिली के साथ रिलैक्सिंग एंड प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए भी ये एक अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको कई सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, जैसे कि पार्किंग हो गई, क्यूट लॉन हो गया फॉर स्मॉल गेट टुगेदर, और फुल्ली फर्निश्ड रूम्स, किचन, बाथरूम, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, एक प्यारा सा पूल। अगर आपको भी एमरल्ड पूल विला पसंद आया है और आप जयपुर में रहते हो या फिर जयपुर के थ्रू कहीं पर जा रहे हो तो आप इसे बुक कर सकते हो। ये कुछ दिनों के अंदर एयरबीएनबी एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से भी बुक कर सकते हो। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टेक्ट लिंक्स दे रखे हैं, तो वहाँ से आप इसको ऑफलाइन बुक कर सकते हो। छोटे में क्या इधर रखो ना, स्टार्टिंग कर रहे हैं। Thank you.
the rain. Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. इसमें लिख देना रिमोट से काम नहीं करेगा, हाथ से घुमानी पड़ेगी। चप्पू भी साथ रखें। थोड़ा और दे दो उसमें थोड़ा।